जहां रायपुर में रमजान का चांद देखने के साथ ही आज से पहला रोजा रखा जाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे की वजह से इस बार रमजान में मोहल्लों और मस्जिदों में भीड़ पर प्रतिबंध लगाया गया है। लॉकडाउन की वजह से आम लोगों के लिए मस्जिदों के ताले नहीं खुलेंगे। मस्जिद में अजान पुकारी जाएगी लेकिन लाउड स्पीकर का साउंड थोड़ा धीमा होगा। रोजा रखने के लिए सहरी और शाम को इफ्तार के वक्त केवल 5-5 सेकंड के लिए एक सायरन बजाया जाएगा। 5 वक्त की नमाज भी घरों में ही पढ़ी जाएगी और इसी के साथ ही तरावी भी घर भी पढ़ी जाएगी। तो कोरोना के कहर को देखते हुए ये सभी निर्णय लिए गए हैं। भीड़ पर प्रतिबंध लगाया गया है। लॉकडाउन के कारण आम लोगों के लिए बाहर निकलना प्रतिबंधित है, यानी मस्जिदों में नहीं बल्कि वो अपने घरों में ही नमाज पढ़ेंगे और साथ ही तरावी या कोई भी जो प्रक्रिया रमजानों में चलती है वो सभी घर में ही बैठकर की जाएगी। सहरी और इफ्तार का जो समय है वो देखकर ही लोग अपने रोजे खोलेंगे। तो लॉकडाउन के कारण आम लोगों के लिए मस्जिदें बंद रहेंगी, यानी कि सभी लोग अपने घरों पर ही रोजा नमाज करेंगे, तरावियां भी वो अपने घर पर ही पढ़ेंगे।